हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी घर पे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर्स प्रेजेंट में आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा, कब तक होगा, किस तरीके से होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सब हम इसमें चेक करेंगे। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। ये जनरल है प्लस कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, तो सभी से रेजोनेट नहीं करेगी। जितनों से भी रेजोनेट करे प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। जो लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं उनकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग कैच कर पाते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सो इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट वे से कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो चेक करते हैं कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है हमारा एग्जिस्टेंस का, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है हमारा एग्जिस्टेंस का। आपके पार्टनर्स आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, अनकंडीशनल ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन आपको बाय सोल लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। आप में से कई लोग सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों, ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन से मांग रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, एंड आपको पाना चाहते हैं। अपनी सारी पावर सारे एफर्ट्स लगाकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। न्यू विज़न, इस रिश्ते में एक न्यू विज़न फेस चल रहा है। दैट मींस इन पर्सन ने आपको एक नए तरीके से देखना शुरू किया है, नए तरीके से समझना शुरू किया है। जो चीज़ें ये अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, आप लोगों के रिश्ते को, आप लोगों के प्यार को, अनकंडीशनल लव को, सोलमेट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, ये पर्सन अब समझने लगे हैं कि ऐसा क्यों है कि वो आपसे इतना प्यार करने लगे हैं। कई क्वेश्चंस के आंसर्स जो अभी तक हिडन थे आप लोगों की लाइफ में, अब आपके पर्सन को भी उनके आंसर्स मिलने लगे हैं, समझ में आने लगा है। डिवाइन उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनको समझा रही है, एंड इस रिश्ते को वो एक नए नज़रिए से देख रहे हैं, जहां उनको सब कुछ बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सौरो का। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना काफ़ी उदास हैं, एलोन हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, एंड इनको लगता है कि आप ही इनकी लाइफ का एकमात्र सहारा हो। तीनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि ये पर्सन को आपको खोने का गम सताने लगा है। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन फेज में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने आपके बिना रहकर देख लिया है कि आपके बिना रहने में कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, चीज़ें बहुत ही बिगड़ गई हैं। वो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे, कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे, एंड उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर ये पर्सन आपके कॉन्टेक्ट में है तो डेफिनेटली इस पर्सन को अब आपको खोने का डर सताने लगा है, या फिर ये पर्सन अब आपके बिना और दिन तक नहीं रह सकते। ये पर्सन अब मैरिज चाहते हैं, ये पर्सन अब वेडिंग चाहते हैं, ये पर्सन अब आपको मिलना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ अपना परिवार चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी फैमिली चाहते हैं, और इस रिश्ते को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं, जहाँ पे ये सब कुछ बहुत अच्छा चाह रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि आगे क्या कार्ड आया है। आगे कार्ड है स्लोइंग डाउन का। अगर यहाँ पर मैं जोडियक्स की बात करूँ तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन मौजूद हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के हो सकते हैं, चंद्र राशि से, सन, मून, वीनस, राइजिंग, किसी भी तरीके से। एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड मुझे ये बताता है कि जो थिंग्स आप लोगों की लाइफ में स्लो हो रही हैं या फिर रुक गई हैं, उन चीज़ों से ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आप दोनों का खुद का परिवार चाहते हैं, और सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एग्जॉशन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब ये ना आपसे दूर रह नहीं पा रहे, ये अपनी प्रॉब्लम किसी से कह भी नहीं पा रहे और आपसे दूर रह भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इन्हें अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये पर्सन अब हम चेक करते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। माइंड का कार्ड आया है।
जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपके मन में भी हो सकता है इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, आप इनसे परेशान हो चुके हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इन पर एंगर आ रहा हो और आपको लगता हो कि सारी गलती इस पर्सन की है। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनसे इतना नाराज़ ना हो। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं एंड वो बहुत जल्दी आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड वन मोर मैसेज फॉर यू, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो सारी नेगेटिव सिचुएशन से ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में आपके साथ एक फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए रेडी हैं और डेफिनेटली आप उनका बिलीव करो, उन पर ट्रस्ट करो, उनसे जो आपके मन में उनको लेकर नाराज़गी है उसको रिमूव करो। अब हम चेक करते हैं दोबारा, मैं कुछ कार्ड्स अगेन शफल करती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स वी चेक देयर नेक्स्ट मूव। इनका नेक्स्ट मूव द रिबेल का कार्ड है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर इस कार्ड को आप पास से देखोगे तो आप देखो कि ये किंग है जो कि जिम्मेदारियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको पता है कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस वक्त एक्शन लेना चाहिए, तो वो सारी जिम्मेदारियों की जंजीरें तोड़कर जो राइट है सबके लिए उस एक्शन को लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आपके किंग, आपके क्वीन, आपके एम्परर, आपके एम्प्रेस जो भी हैं आपकी लाइफ में, वो अब सारी बंदिशों को तोड़कर, सारी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और इनके हाथ में एक मशाल है जो कि ये बताता है कि आपके रिश्ते को ब्राइटन करना चाहते हैं, रोशन करना चाहते हैं, फ्लोरिश करना चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार बसाना चाहते हैं और एनलाइटनमेंट लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही, सोसाइटी नहीं मान रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही या फिर इनके कुछ अपने फियर्स जिनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब ये रेडी हैं उन सारी चीज़ों को ब्रेक थ्रू करके, सारी जंजीरों को तोड़कर, चाहे वो जितनी भी टाइट थी, जितनी भी बुरी थी, सबको तोड़कर आगे बढ़ने में। कुछ लोग इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं जिनके कंट्रोल में अब तक ये थे, लेकिन जहाँ इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनकी लाइफ आपके बिना कितनी बुरी है या फिर इनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है या फिर इनकी लाइफ ये आपके बिना अपनी लाइफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे, परेशान हो जाते हैं, कांप जाते हैं, आपके लिए तड़पने लगते हैं, तो इनको जहां अपना रास्ता क्लियर हो गया वहां इनमें हिम्मत आ गई है सारी नेगेटिव सिचुएशन को ब्रेक थ्रू कर तोड़कर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की, सारी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ने की एंड एक नया फैसला लेने की जो कि आप लोगों के रिश्ते के लिए एक बहुत ही स्पेशल और बेहतरीन फैसला होगा, हैप्पी मोमेंट होंगे। एक और कार्ड देखते हैं, देखिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। अगर इनको आपके लिए डिसीज़न लेने वक्त, डिसीज़न लेते वक्त अकेला भी इस राह पे चलना पड़े तो भी ये पर्सन रेडी हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अगर इनकी फैमिली ना माने, आपसे मिलने के लिए इनकी फैमिली ना माने, आपसे वेडिंग के लिए इनकी फैमिली ना माने, रिकन्सिलेशन के लिए ना माने, अगर इनको अकेले भी इस राह में निकलना पड़े तो ये रेडी है, क्योंकि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि ये अकेले आगे बढ़ सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं, उस डिसीज़न को लेने के बाद आपके साथ फैमिली बना सकते हैं। आपके लिए इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हो, विद इन 8 डेज और 1 मंथ, और आपके लिए इनके ओर से मैरिज प्रपोजल आ रहा है विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड आपके लिए इनकी तरफ से, मैं ये भी देख पा रही हूँ, खुद की गृहस्थी, खुद की लाइफ, खुद का सब कुछ विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं। अब मैं चेक करूँगी कि आपके लिए डिवाइन का क्या सजेशन है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को कुछ सजेशन दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है एंड ये कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। डिवाइन आपको कहती है कि जहाँ आपका भरोसा इंसानों से उठ जाए, खुद से उठ जाए, दुनिया से उठ जाए, रीति रिवाजों से उठ जाए, वहाँ अगर आपका भरोसा डिवाइन पर है, यूनिवर्स पे है, जिन पे आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उस सुप्रीम पावर पे हैं, तो डेफिनेटली आपको जजमेंट मिल रही है, आपको न्याय मिल रहा है, आपको इंसाफ मिल रहा है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जिनका भरोसा डेफिनेटली है कि उनको इंसाफ मिलेगा फ्रॉम डिवाइन। देखिए इंसानों के पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, अल्टीमेटली जो आपको कुछ दे सकता है वो है डिवाइन। तो अगर आपका पूरा भरोसा, कॉन्फिडेंस डिवाइन पर है तो डेफिनेटली डिवाइन आपको कह रही है कि आपको सब कुछ मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपके हक में है, जो आपके बेहतरीन, आपकी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए है। नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली डिवाइन कह रही है कि बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है। अगर आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं,
बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, विंग्स दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साइन है कि आप लोगों का रिकंसिलेशन या फिर मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है, रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पर है, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। डिवाइन आपको कहना चाहती है आप ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें, आप जरूर अपनी चीज़ों में कामयाब होंगे एंड उसके लिए आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को और फुल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।